एक जंगल में एक हाथी रहा करता था। उसी जंगल में छोटे छोटे बिल बनाकर चींटियां भी रहती थी। हाथी चींटियों से बहुत चिढ़ता था। अक्सर हाथी उनका अपमान कर देता था। कभी कभी जब जंगल में भोज का आयोजन होता था तो हाथी उनकी मौजूदगी चिढ़ जाता था। जब कभी कोई चींटी उसके सामने से निकलती तो वह उन्हें अपने पैरों से कुचल देता। हाथी अक्सर कहता, अरे इन चींटियों की बातों में कहां पढ़ते हो, इनमें न अक्ल होती है और न शक्ति। एक बार चींटियों ने जंगल में कुछ व्यक्तियों को एक बड़ा सा गड्ढा खोदते देखा तो वे घबरा गई। काफी बड़ा गड्ढा खोदे जाने पर चींटियों ने देखा कि उन व्यक्तियों ने उसे घास फूस और बांस की टहनियों से ऐसा ढका कि वह बराबर जमीन मालूम पड़ने लगी। फिर वे आदमी आपस में हाथी को पकड़ने की बातें करने लगे। यह सुनकर एक चींटी दूसरी चींटी से बोली, अब हाथी को कितनी निर्दयता के साथ पकड़ लिया जाएगा। दूसरी बोली, हमें कुछ सोचना चाहिए, अपनी सूझबूझ दिखाने का यही सही मौका है। तीसरी बोली, हाँ हम अपनी अक्ल से यदि हाथी को बचा सके तो कितना अच्छा हो। हाथी एक छायादार पेड़ तले सो रहा था। चींटियां उसके बदन पर चुपचाप जाकर बैठ गईं। कुछ देर बाद हाथी की नींद खुल गई। उसे जोर की भूख लगी थी। वह मीठे गन्ने के खेत की ओर जाने लगा। उसी रास्ते पर इन व्यक्तियों ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा था। चींटियों ने देखा कि गड्ढा आने वाला है। उन्होंने हाथी के शरीर पर इधर उधर काटना शुरू किया। हाथी कभी पैर पटकता तो कभी सूंड उठाकर चिल्लाता चिंघाड़ता, पर हाथी फिर भी उसी रास्ते पर चलता रहा। हाथी को गड्ढे की तरफ जाता देखकर चींटियों उसे और जोर से काटने लगी। तब वह तिलमिला कर दूसरे रास्ते पर दौड़ने लगा। पेड़ पर बैठे शिकारी लोग यह सब देख रहे थे। वह हाथी को पकड़ने के लिए पेड़ से कूदे, परंतु वे यह भूल गए थे कि नीचे उन्होंने ही गड्ढा खोदा था और वे सब उसी गड्ढे में गिर गए। हाथी ने जब मुड़कर यह दृश्य देखा तो चिल्ला पड़ा, मैं खुद इस गड्ढे में गिर गया होता यदि मेरे शरीर में खुजलाहट न होती। यह सुनकर सभी चींटियां एक साथ बोल पड़ी, खुजलाहट हमने की थी हाथी जी। हमारे कहने को आप न मानते, इस कारण आपको बचाने के लिए हमें आपको काटना पड़ा। हाथी ने कहा, मुझे क्षमा कर दो ननी चींटियों, मैं तुम्हें मूर्ख और जाने क्या क्या कहता था। मैं अपने ताकत के नशे में चूर था, पर समझदारी के मामले में तुम चींटियों से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर जीव का अपने अपने स्थान पर महत्व होता है। शक्तिशाली जीवों को कमजोर जीवों का भी आदर करना चाहिए।